और दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार रिपब्लिक भारत आपको जानकारी दे रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश के हालात जिस तरह से बन रहे, तख्ता पलट हो चुका है, सेना ने कमान संभाल ली है। और जानकारी इस वक्त बड़ी खबर, कुछ ही देर में शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाली हैं शेख हसीना, उनका विमान लगभग 5 बजे के करीब, जो आधिकारिक सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, लैंड करने वाला है दिल्ली में। और उसके बाद कहां का रुख करती हैं शेख हसीना, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विमान AJAX 1431 से शेख हसीना आ रही हैं और दिल्ली लगभग 5 बजे के करीब बताया जा रहा है विमान पहुंचेगा, लैंड करेगा, और उसके बाद आगे क्या रुख होगा उनका, इस पर सबकी निगाहें हैं। वहीं बांग्लादेश में अब सेना ने कमान संभाल ली है, सरकार से पहले पीछे हटने को कहा और उसके बाद अब सेना ने कमान संभाली और कहा कि 48 घंटे में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें सभी मुख्य दल होंगे। हालांकि शेख हसीना की पार्टी को उसमें जगह नहीं दी गई है, यह भी जानकारी मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, 5 बजे दिल्ली आ सकता है विमान, ये जानकारी मिल रही है। बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में ढाका की सड़कों पर देखने को मिला। हालांकि सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने ये कहा है लोगों से कि आप शांति बनाए रखें। राष्ट्रपति से मिलकर ये भी कहा है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं यहाँ देश को संभालने की। और तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रही है, देखिए कैसे उग्र होता यहाँ प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, सड़कों पर उतर गए हैं बड़ी संख्या में तमाम लोग। आरक्षण विरोधी ये आग बड़ी होती गई और इतनी बड़ी हो गई कि पूरे देश को ये कहें कि प्रशासन को निगलिया ही। देखिए कैसे फायरिंग हो रही है, कैसे फायरिंग हो रही है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तस्वीरें बता रही कि संकट अभी है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बैकिंग कहीं और से है। हालांकि सेना क्योंकि चाहती थी मौके का फायदा उठाना, तो सेना ने अब वो फायदा उठा लिया है, अब मार्शल लॉ यहाँ पर चले। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश किस तरीके से जल रहा है। और ये तस्वीर भी देखिए, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होते हुए शेख हसीना भारत आया करती थी, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी अलग है। और भारत में भी जो बांग्लादेश उच्चायोग है, जो एम्बेसी है, उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इन सब के बीच आने वाली है शेख हसीना दिल्ली, और 5:10 पर उनकी फ्लाइट दिल्ली पहुंच जाएगी। उसके बाद वो आके कहाँ जाती है इस पर भी नजर रहने वाली है, लंदन का रुख करती है, फिनलैंड जाती है या किसी और देश में जाती है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है कि बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है, आरक्षण की आग जिसने पूरी तरीके देश को तबाह किया, नष्ट किया। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जनरल वकार के द्वारा, जो कि सेना चीफ है, और उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के भीतर भीतर अंतरिम सरकार बनाएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं आर्मी चीफ। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की है। किस तरीके से सरकार बनेगी इस एजेंडे पर अब नजर रहने वाली है। लेकिन आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उसके दफ्तर में भी ढाका में आग लगा दी गई है, आग के हवाले कर दिया गया है। पूरी तरीके से पूरे देश में कर्फ्यू था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टूडेंट्स के द्वारा, छात्रों के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। 4 लाख से ज्यादा की भीड़ सड़कों पर मौजूद है। उसके बाद की जो तस्वीरें आई वो बेहद ही भयावह है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से शेख हसीना के बेडरूम में घुसपैठ की गई है प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और उन्होंने वहां पर जाकर के उनकी टीवी को भी उतारा है, उनके जो बेड है उस पर भी उछल कूद करते हुए वो नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से जो पहले भी मांग की जा रही थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा, वो यही थी कि शेख हसीना इस्तीफा दे दें, लेकिन आज स्थिति थोड़ी इतर हो गई। शेख हसीना को सीधे 45 मिनट का अल्टीमेटम मिला कि शेख हसीना 45 मिनट के भीतर भीतर देश छोड़ दे। और उसके बाद आर्मी चीफ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले यही जानकारी दी गई थी कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। 4 तस्वीरें सामने आ रही है शेख हसीना के बेडरूम के अंदर घुसपैठ की गई है। दूसरी तस्वीर, ये नीचे तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग करते हुए उच्चायोग के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। और ये 2 तस्वीरें बांग्लादेश में हालात दिखा रही है कि किस तरीके से आगजनी और सड़कों पर प्रदर्शनकारी। तो बांग्लादेश के हालात पे भारत की नजर बनी हुई है। कोलकाता पहुंचे हैं बीएसएफ के डीजी, और जिस तरीके से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे यहां पे जारी किया गया हाई अलर्ट, इसके बीच तस्वीर दरअसल ये कि शेख हसीना कुछ देर के बाद दिल्ली पहुंचने वाली है। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगी, दिल्ली से कहां जाएंगी इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन खबर जो मिल रही है वो ये कि दिल्ली से लंदन भी जा सकती है। बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल इस बीच ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात है, पीएम आवास हो, चाहे वो आवामी लीग पार्टी का दफ्तर हो, चाहे वो खुद शेख हसीना का बेडरूम हो, हर जगह पर जो प्रदर्शन कार्य उपद्रवी है उनका तांडव देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है, यह हर एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में फिलहाल हालात कैसे हैं। आरक्षण की आग, आरक्षण विरोधी आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सरकार गिर गई, तख्ता पलट हो गया, और एक आरक्षण की आग ने देश की सरकार को निगल गया। जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, तख्ता पलट के बाद से चाहे वो हाई कमीशन हो, चाहे वो बाकी अन्य दफ्तर हो, हर जगह उपद्रवी आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये हालात आज खराब नहीं हुए हैं,
काफी महीनों से बांग्लादेश में कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे थे। हालांकि बीच बीच में कर्फ्यू में ढील दी गई, इंटरनेट में जो बैन लगाया गया था वो छोड़ा भी गया, खोला भी गया, लेकिन बाद में हालात बद से बदतर होते गए और शेख हसीना की सरकार इस मुद्दे को लेकर कंट्रोल नहीं कर पाई। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर शेख हसीना दिल्ली पहुंचने वाली है। बड़ी खबर आ गई है जहां पर थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाली है शेख हसीना। शेख हसीना के पहुंचने को लेकर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दो विमान है इसमें पहले जो विमान आया C-130 उसमें शेख हसीना के जो सिपला सलार है, जो कैबिनेट के सहयोगी है, वो मौजूद है। लेकिन जो दूसरा विमान है जो बिहार होते हुए आ रहा है दिल्ली, उसमें शेख हसीना की मौजूदगी की खबर है। और AJAX-1341 की जो विमान है वो यहाँ पे पहुंचने वाला है दिल्ली। दिल्ली से लंदन जा सकती है शेख हसीना। सेफ पैसेज यहाँ पे दिल्ली है उनके लिए, क्योंकि दिल्ली आ रही है वो, और दिल्ली से ही सेफ पैसेज में वो लंदन रवाना होंगी। लंदन में उनकी फैमिली पहले से रह रही है, लिहाजा यह आकलन किया जा रहा है कि वो लंदन जा सकती है। जो आधिकारिक जानकारी है वो निकल के बाद में सामने आएगी कि कहाँ गई है वो, लेकिन पहले जो जानकारी निकल के आ रही है कि वो दिल्ली से लंदन जा सकती है, शेख हसीना की जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार दीपांजन सर जुड़ गए हैं। दीपांजन जी, अभी जो हालात हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, स्थिति ऐसी हो गई है कि शेख हसीना छोड़कर अब दिल्ली आ चुकी, कहा जा रहा है लंदन जा सकती हैं, परिवार वहां रहता है क्योंकि पहले से अपनी बहन रेहाना को साथ लेकर निकली हैं, वो कहां का रुख करते हुए देख रहे हैं आप उनको? और दूसरी चीज, बांग्लादेश में अभी जो अनरेस्ट है, जो अंतरिम सरकार बनने की बात हो रही है, बांग्लादेश को कहां जाते देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आरक्षण की आग नहीं थी, पाकिस्तान की बैकिंग थी, विपक्ष ने मौका देखा, सेना ने मौका देखा और आउट कर दिया शेख हसीना को। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। ये जो बांग्लादेश में जो भी हो रहा था, ये सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट पिछले 15-20 दिन एक महीना से, इट्स मल्टी लेयर्ड। और हम लोग शुरू से जो है डिफरेंट चैनल्स में हमने ये बताया कि ये आमने सामने देखने में तो लगेगा कि ये स्टूडेंट मूवमेंट है, बट इसके आर में जो आपने सही कहा कि जमात इस्लाम जो है वो लोग थे और इसको सपोर्ट दिया है बैक साइड से, कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का ISI और चाइना, और हर एक का अपना अपना एजेंडा था। तो वो एजेंडा में इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट अनरेस्ट को सामने लिया। नहीं तो आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जब बताया कि हाईकोर्ट से ये ऑर्डर हुआ था कोटा के लिए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अपील किए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक दे दिया कि कोटा उठ जाएगा, इसके बाद भी जिस हिसाब से मूवमेंट का पासा पलट गए और 1 पॉइंट प्रोग्राम आ गए कि शेख हसीना को निकालो। So, ये देखने में इसका जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बड़ा 15 दिन से बहुत गहरे नजर से हम देख रहे हैं और बांग्लादेश में अपना जो कॉन्टैक्ट है उनसे भी बात करते हैं और जो विजुअल्स देख रहा है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये स्टूडेंट का बॉडी लैंग्वेज था ही नहीं। अगर आज देखेंगे बांग्लादेश का रास्ता में, सड़कों में, और ये जो शेख हसीना का दफ्तर है, आवामी लीग का दफ्तर है, जो लोग हरकत कर रहे हैं, आप देखिए ये स्टूडेंट नहीं लग रहा है। 90% लोग वहां लुंगी पहन के कर रहे हैं। I am not टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड, बट स्टूडेंट जो है लुंगी पहन के नहीं जाते। आप सड़कों का हालत देखिए, जिस हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू तोड़ा जा रहा है, उनका मुरल को टारगेट किया जा रहा है, ये देखने में बहुत क्लियर है। 71 से पहले बांग्लादेश में जो स्थिति था, ये जमायत इस्लाम और उनको पॉलिटिकली सपोर्ट दे रहा है बांग्लादेश में नेशनल पार्टी BNP, और इन लोगों ने वो 71 का पुराना जमाना में पहुंच गए। और ये एक बहुत बड़ी सोजिश समझे, एक साजिश था, इसमें कोई डाउट नहीं। पर हमारा जो बहुत ही चिंता के कारण है कि बांग्लादेश का जो स्थिति है, इसका डेफिनेटली एक बहुत बड़े इम्पैक्ट हमारा हिंदुस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी है इसके ऊपर आएगा। बिल्कुल दीपांजन जी, और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सर, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है, BSF को अलर्ट किया गया है, कई जगह पर डिप्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ पश्चिम बंगाल में यहाँ पर बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, अफगानिस्तान में हमने जो स्थिति देखी, उसके बाद हमने श्रीलंका में स्थिति देखी, उसके बाद हमने पाकिस्तान में स्थिति देखी, और उस सबके बीच भारत एक चिंता का विषय तो है कि आखिरकार हमारे पड़ोसी मुल्कों में जिस तरीके से यहाँ पर हालात बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, वो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। नहीं, इसमें देखिए, ये बहुत हम लोग ने 1-2 साल से हम लोग बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं है, वो जहां सही कदम लेना चाहिए वो ले भी रहे। कि ये एक्चुअली अनाउंस किया था जो अलकायदा और ISIS जो है, इनका हिसाब से जो खोरासान ईस्ट, तो खोरासान जो है
लिए एक बहुत, उन लोगों ने मानते हैं कि जिहाद के लिए एक बहुत पवित्र जगह होगा खुरासान, इस मतलब जहां से सूरज उठते हैं। और इनका जो लुक टू ईस्ट, ये लुक टूवर्ड्स ईस्ट पे इनका टारगेट ही था, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। नाउ म्यांमार में इनका एडवांटेज है, वहां रोहिंग्या लोग एक्टिव है, काफी एक्टिव है। बांग्लादेश में उनको चाहिए था, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में जो उन लोग नहीं कर सकते, उनका टारगेट है, फोकस टारगेट है बंगाल, वेस्ट बंगाल। दीपांजन सर, आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि शेख हसीना आ रही हैं भारत, वाया भारत ही, वाया दिल्ली वो कहीं जाएंगी, हो सकता है लंदन का रुक करें, हो सकता है फिनलैंड का रुक करें, अभी उसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन उनका इस तरह से भारत आना, उनके सिपह सलारों का भी, क्योंकि एक और विमान है जो उनकी कैबिनेट के लोगों को लेकर आ रहा है, जरा ये बताइए, अब बांग्लादेश में तो सरकार किसी और की बनेगी, शेख हसीना तो आउट हो गई है, तो उस स्थिति में कहां जाता दिख रहा है भारत के साथ बांग्लादेश का रिलेशन, और क्या असर इसका दिखेगा? अर्ली टू कमेंट, इसमें अभी कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये बात जरूर है। ठीक है, आपको रोक रहे हैं सर, आपके पास वापस लौटेंगे दीपांजन जी, लेकिन